हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो इतने दिनों बाद मैंने आज प्रॉपर ब्लॉग शूट किया हुआ है, रक्षाबंधन के बाद शायद। और इसके पहले जो एक दो ब्लॉग या शॉर्ट्स वगैरह डाल रही थी, मैं सिर्फ बैठे बैठे ही शूट कर ले रही थी, वही सब जा रहा था। तो अभी मैं फ़िलहाल चलने फिरने लायक हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट कर लेते हैं। और आजकल मेरा स्टाइल हुआ है अक्षय कुमार का, जैसे अक्षय कुमार जी ने एक पैंट ऊपर करके चलते हैं, वैसे ही आजकल मेरा स्टाइल हुआ है। तो मैं यहाँ ना अपने थोड़े बहुत काम भी कर रही हूँ, और पूजा वाला जो हमारा स्पेस है ना, उसको मैं साफ कर रही हूँ, क्योंकि हमें पूजा के लिए चाहिए, जो कल व्रत रहना है तीज का, तो उसके लिए चाहिए साफ सुथरी चीज़ें, जगह। तो वही सब मैंने सोचा कि साफ करके उसके बाद से आगे की चीज़ स्टार्ट करते हैं। और हाथ पैर मतलब हाथ काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब तो मैं खाना वगैरह भी बना ले रही हूँ अपने से ही, नहीं तो पहले पति देव बनाते थे। और बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि बैठ बैठ के खा रही हैं, पतिदेव खाना खिला रहे हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर वाइफ बीमार है तो हस्बैंड काम नहीं कर सकते या खाना नहीं बना सकते। ये कहीं भी लिखा नहीं है कि सिर्फ वाइफ का ही धर्म है कि वही बना के खिलाएगी। ये अगर वाइफ कभी बीमार है तो हस्बैंड भी बना के खिलाते हैं। और बहुत लोग ये चीज़ें क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आंसर दे ही देते हैं। और उसके बाद से बस मैं अपना काम कर रही थी, और सुबह के टाइम में बच्चे स्कूल जा चुके हैं, आज टीचर्स डे है, तो बच्चों के स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट होने वाला है, तो दोनों बच्चे मेरे गए हुए हैं टीचर्स डे सेलिब्रेट करने। और मैं अपने तरफ से भी सबको हैप्पी टीचर्स डे बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे जितना मुझे समझ में आ रहा है, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी शिक्षा दी हुई है कि मैं अपने आप को अच्छे से ढालने की कोशिश हमेशा करती रहती हूँ। गलतियाँ भाई इंसान है, होती रहती हैं, अगर गलतियाँ हैं तो दूसरे मुझे बताएं कि ये गलती है, मैं उसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि हैप्पी टीचर्स डे, और क्या ही कहूँ। और उसके बाद से मैं आज राजमा बनाने वाली थी, तो बहुत दिन बाद मैं खाना बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ चटक मटक खाना बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा टेस्टी, और खा के उसके बाद व्रत भी रहना है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये ऐसा ही कुछ बना लेते हैं। तो राजमा भिगा के रखा हुआ था रात भर, उसको मैंने उबाला नहीं है, आप चाहें तो उबाल सकते हैं, मैंने उबाला नहीं है। और टमाटर और हरी मिर्च को मैंने पीस दिया, थोड़े खड़े मसाले थे तो खड़े मसाले आपने देख लिए होंगे क्या क्या थे, उसको मैंने पीस लिया। फिर कुकर गरम किया, उसमें तेल डाला, ज़ीरा डाला, प्याज डाली, हल्दी और गरम मसाला डाल के इसको भून लिया, और उसके बाद से टमाटर और मिर्ची का पेस्ट डाल दिया, उसको भी अच्छे से भून लिया। पकने देंगे उसको, पकने के बाद जब ये पक जाएगा तो हम अपने राजमा डाल देंगे, और राजमा डाल के भी एक दो मिनट भून लेंगे, जब तक कि थोड़ा सा तेल दिखने लगेगा। उसके बाद से मैं खड़े वाले गरम मसाले डाल के, पानी डाल के दो तीन सीटियाँ लगा लूँगी, क्योंकि राजमा मैंने पहले से उबाला नहीं है, सिर्फ ये भीगा हुआ था। और कुकर पे ध्यान न देके आप सिर्फ डिश पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग कहने लगेंगे कि कुकर कितना गंदा है, कैसा है। तो ये इसलिए क्योंकि ये मेरा 11 साल पुराना कुकर है, अभी तक बिल्कुल सही सलामत चल रहा है, इसकी मैंने आज तक सीटी भी नहीं बदलवाई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरी शादी का है ये कुकर। तो यहाँ का हवा पानी भी थोड़ा सा ऐसा है कि बर्तन अक्सर ही गंदे हो जाते हैं। बात बात करते करते मेरे राजमा बन के रेडी हैं, पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, अगर मैं चाहूँगी तो इसको बाद में पका सकती हूँ, पका के ख़त्म कम कर सकती हूँ पानी। और चोट की हालत कुछ ऐसी है, इतने दिन हो गए अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, इतना गंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी दवाइयाँ लगी हुई हैं। फिर बैठे बैठे मैंने सब काम हो गए थे, तो मैंने एक हाथ पे अपनी मेहंदी भी लगा ली कल के लिए, तो मैंने अपने से ही लगाई है, खुद से जैसी भी लगी है ठीक है, लग गई है बस। और बस आज का वीडियो मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे एंड करती हूँ, कल आपसे मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।